प्रदेश में कोरोना से इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन दूसरी तरफ जबलपुर और ग्वालियर में भी मामले तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। भोपाल की 80 साल की बुजुर्ग महिला ने होम्योपैथिक इलाज की मदद से कोरोना से जंग जीत ली। कई अन्य बीमारियों से पीड़ित विमला दुबे की जब कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने को राजी नहीं थे। परिवार के सदस्य भी जब कोरोना से पीड़ित हो गए तब उन्होंने इंदौर के चिकित्सक डॉक्टर द्विवेदी से ए.के. द्विवेदी से संपर्क किया। उन्होंने भी बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर कहा, लेकिन परिवार के सदस्य इस बात को लेकर तैयार नहीं थे। इसके बाद चिकित्सक द्विवेदी ने लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयां भोपाल भेजी, जिनका नियमित सेवन करने के बाद 15 दिन में विमला दुबे की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आ गई। शुरुआती दिनों पर उनका ऑक्सीजन लेवल जरूर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कुछ ही समय में वो भी नियंत्रण में आ गया। परिवार के अन्य सदस्यों की भी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई और इसके साथ ही इंदौर की एक अन्य महिला का भी होम्योपैथिक दवाई से इलाज किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर द्विवेदी कोरोना संक्रमण काल के वक्त से ही सरकार की हेल्पलाइन 104 पर काम कर रहे हैं और वे फोन पर लोगों की सतत सहायता कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से होम्योपैथिक दवाइयाँ भेजा और जिसके सेवन से वो पूरी तरह से घर पे ही रह करके स्वस्थ हो गईं। शुरुआती का जो दिन था, इनिशियली जो स्टार्टिंग था 2-3 दिन, उसमें थोड़ा सा परेशानी आई। 2-3 दिन तक उनको बुखार बना हुआ था, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी 90 के नीचे आ गया था, तो घर के लोग थोड़ा घबरा गए। उस दौरान भी हमने थोड़ा होम्योपैथी का डोजेस बढ़ा करके दिया और 3-4 दिन बाद उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी नॉर्मल आ गया और फीवर भी निकल गया। उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। जब स्वस्थ हो गई तो हमने वापस जांच करा करके देखा, उनका कोरोना भी निगेटिव आ गया।